आज के अंक में हम आपको बताने जा रहे हैं कि जाड़े के मौसम में मछली पालन में किस तरह से देखभाल करनी है। किसान भाइयों, जाड़े के मौसम की शुरुआत हो चुकी है। अब जैसे जैसे दिन बीतेंगे वैसे वैसे वातावरण में तापमान घटेगा। इस घटते तापक्रम का प्रभाव सीधे मछलियों की बढ़वार पर पड़ता है। इस मौसम में मछलियां शिथिल पड़ जाती हैं और वे ठीक से भोजन भी ग्रहण नहीं करती। इसी तरह से इनकी बढ़वार भी घट जाती है। ऐसे मौसम में मछली पालकों को चाहिए कि वे मछलियों का खाना कम कर दें ताकि भोजन की बर्बादी ना हो। तो देखिए कि मछलियों के लिए अनुकूलतम तापमान जो है वो 24 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड होती है, और जैसे जैसे ठंड बढ़ेगी तो उनका जो अनुकूलता है, उनके जो शरीर को वहन करने वाला, वो धीरे धीरे ख़त्म होगा। तो देखा जाए तो हमारी जो ये मछलियाँ होती हैं वो कोल्ड ब्लडेड एनिमल होती हैं। कोल्ड ब्लडेड मतलब जैसे अगर तापमान बढ़ता है तो उनके खून का भी तापमान बढ़ेगा, और जैसे तापमान घटेगी तो उसके शरीर का तापमान भी घटना शुरू हो जाएगा। तो इससे उनके शरीर का जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी होता है, जो शरीर का जो क्रिया होती है, वो थोड़ी शिथिल हो जाती है, जिससे उनका जो ग्रोथ है वो रुक जाता है, बढ़ाव रुक जाता है। जिन भाई बहनों ने अभी जुलाई में या जून के अंतिम महीने में जिन्होंने मछली का स्टॉकिंग किया है, तो अब मान के चलिए कि उनका जो बढ़त जो अभी तक हुआ है वो रहेगा। उसके बाद उनकी ग्रोथ जो है जनवरी तक या फरवरी के फर्स्ट वीक तक वो बढ़त जो है रुक जाती है। अब इस दौरान अब हम क्या करें, पहला बात ये होती है। तो ये जो तापमान जो धीरे धीरे घटते जाएगा तो मछलियाँ भी एकदम शिथिल हो जाती हैं, खाना पीना उनका कम हो जाता है। तो कृषक भाइयों से अनुरोध है कि वो खाना जो दे रहे थे उसको कम कर दें, क्योंकि अगर आप जिस तरह से खाना आप देते जा रहे हैं तो वो खाना एक तरह से वेस्ट ही हो जाएगा। ये एक तरह जमाव होने का एक कारण है कि ये एक सिद्धांत है, जैसे टेम्परेचर जब बढ़ता है, तापमान जब बढ़ती है, तो उसी तरह से पानी का जो डिसॉल्व ऑक्सीजन है, घुलित ऑक्सीजन है, वो भी बढ़ती है। दोनों का ये संबंध है। जो चूँकि बरसा जाड़े में क्या होता है कि तापमान जो कम हो जाता है, तो ऑब्वियसली स्वभावतः वो जो पानी का भी जो डिसॉल्व ऑक्सीजन है वो भी कम होने लगता है, जिससे मछलियाँ एकजुट हो जाती हैं और मुंह ऊपर करके सांस लेने, जो वायुमंडलीय ऑक्सीजन है वो उससे सांस लेने लगती हैं। यही कारण है कि एक तरह जमा हो जाती है। तो उस सिलसिले में, उस क्रम में किसान भाइयों को क्या करना चाहिए कि पानी का कुछ वॉल्यूम जो है वो बदल देना चाहिए, क्योंकि ये थोड़ा खर्चा है इसमें, क्योंकि जब हम लोग अंडरग्राउंड वाटर का अगर उसमें छिड़काव करें या समरसेल पंप से पानी के तालाब में अगर उसको हम डालते हैं, तो चूँकि उसका अंडरग्राउंड वाटर का मोस्टली जो टेम्परेचर है वो 26 डिग्री होता है, और पानी का टेम्परेचर देखिए तो 19 डिग्री हो है या 18 डिग्री हो, उस तरह से हो जाता है। और 19 डिग्री के बाद क्या होता है कि मछली खाना छोड़ देती है, और उससे भी टेम्परेचर कम हो जाता है तो बीमारी की संभावना बढ़ जाती है। तो उस स्थिति में थोड़ा सा बाहरी पानी का अगर कुछ रिप्लेसमेंट कर दे, या ऑक्सीजन लेवल अगर ऊपर से पानी को पाइप से डालते हैं तो पानी में हलचल हो जाती है, क्योंकि मैं जैसा पहले बताई कि नीचे के लेयर का तापमान थोड़ा ज़्यादा रहेगा और ऊपर का कम हो जाता है, तो हलचल होने पे ऊपर नीचे पानी हो जाता है, जिससे एक यूनिफॉर्मिटी आ जाती है, समानता आ जाता है तापमान का, और मछली के लिए ऑक्सीजन भी बढ़ जाता है।